ये विजुअल्स हम आपको चौगान ग्राउंड से दिखा रहे हैं। असरारिया वैली जो हाई स्कूल है वहाँ के बच्चे जो है वो आए हैं इस वक्त चौगान ग्राउंड को साफ कर रहे हैं एज ए पार्ट ऑफ जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। आज पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो मनाया जा रहा है। हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है वो यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अब यहाँ पर स्कूली बच्चे जो है वो आ रहे हैं जो यहाँ पर बॉटल्स और जो यहाँ पर जो प्लास्टिक्स पड़ा हुआ है या गंद पड़ी हुई है चौगान ग्राउंड में उसको जो है वो साफ़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने हर एक स्कूल के बच्चों से जो है वो स्कूल की मैनेजमेंट से जो है वो अपील की है वीडियो के ज़रिए कि वो यहाँ पर आए एक दिन चौगान के लिए जो है वो कम से कम महीने में दे ताकि जो यहाँ पर गंद है उसको जो है वो साफ़ किया जाए। और क्योंकि ये किश्तवाड़ का चौगान ग्राउंड है ये हमारा असासा है इसको जो है वो हमें बचाना चाहिए। आप देखिए असरारिया वैली स्कूल के जो है वो बच्चे आए हैं, हालांकि कुछ ही बच्चे आए हैं, इस स्कूल की अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। आप देख सकते हो यहाँ पर इनके प्रिंसिपल इनका स्टाफ जो है वो इनके साथ भी है। आप देखिए यहाँ पर ये बच्चे जो है वो आए हुए हैं असरारिया वैली पब्लिक हाई स्कूल जो है उनके प्रिंसिपल्स और उनका स्टाफ जो है वो साथ है इनको। आप देखिए यहाँ पर बच्चे जो है वो जमा कर रहे हैं जो गंद है जो यहाँ प्लास्टिक से और जो वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर उसको जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए इनके प्रिंसिपल जो है वो साथ है, इनका स्टाफ साथ है यहाँ पर। यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं स्कूल के और यहाँ पर सफाई की जा रही है। आप देखिए कितना गंद जो है वो निकल रहा है। हम चाहेंगे कि इस गंद को यहाँ पर जमा करने के बाद जो है वो फिर प्लास्टिक बैग्स वगैरह में लेकर जो है वो कूड़ादान में जो है वो डाला जाए ना कि इसको आग लगाई जाए। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ ये देखिए इनके प्रिंसिपल्स, आप देख सकते हो जो बच्चों ने जो प्लास्टिक जमा किया है यहाँ पर क्या क्या इसमें नहीं है, गुटखा है, सिगरेट है, बाकी और भी जो है वो चीज़ें हैं। आप देखिए ये बच्चों ने किस तरह का यहाँ पर कलेक्शन की है जो वेस्ट मटेरियल, इसमें बॉटल्स है, गुटखा है, सिगरेट है और भी बाकी जो बैंड जो टबैको आइटम्स है वो भी है। और हम लोग क्या क्या यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं ये आप देख सकते हो। ये हमारे इस वक्त असरारिया वैली स्कूल के जो है वो बच्चे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आए हैं। इन्होंने और भी यहाँ पर काफ़ी गंद जमा किया है, अभी ये असेंबल्ड हुए हैं, इस गंद को जो है वो फिर जो है डिस्पोज ऑफ करेंगे। इनके साथ इनके प्रिंसिपल भी जो है वो आदिल भट्ट से। आदिल क्या बताएंगे आज के प्रोग्राम को लेकर, आपके स्कूल के लोग यहाँ पर आए हैं तो बाकी स्कूलों को भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? सर बिल्कुल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आप हमारा ये प्रोग्राम कवर कर रहे हैं। जैसा कि आपको इस बात का बखूबी इल्म है कि आज पूरे वर्ल्ड में जो है 5 जून को हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती और बदनसीबी से ये कहना पड़ रहा है कि जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो कलेक्शन हमारे बच्चों ने किया है कितना गार्बेज, जिसमें मैक्सिमम थिंग्स जो है वो प्लास्टिक की हैं और ये प्लास्टिक जो है ये जहर है हमारे लिए, जिस जहर को हम खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जानों के साथ खेल रहे हैं। ये जो चौगान है हमारे किश्तवाड़ की शान है, लेकिन इस शान के साथ क्या कर रहे हैं हम किश्तवाड़ी वो हालात आपके सामने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप के माध्यम से, मैं ये पूरे किश्तवाड़ के लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लेग्राउंड आइए मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए, लेकिन साथ ही इसकी सफाई का भरपूर ध्यान रखिए। और दूसरे स्कूलों से भी हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है और किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी सफाई का भरपूर ध्यान दिया जाए। थैंक यू। आभार। ज्यादा दूर नहीं जाइएगा। आप देखिए बच्चे जो है वो जुड़े हुए हैं, सब लोग एक जगह जो है इसको जमा करेंगे, अब ये बैग्स में लेकर जो है इसको फिर प्रॉपरली जो है वो डिस्पोज ऑफ करेंगे। इनका स्टाफ भी जो है वो इनके साथ है। हम बाकी स्कूल के लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी यहाँ आएँ और इस चौगान को जो है वो साफ़ करने में मदद करें। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आप यहाँ पर स्कूल के बच्चों को लेकर आएँ तो क्या बताएंगे आप? हम यही बताएंगे कि हमें अपने बच्चों को जो है बताना चाहिए कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे ही जो है आगे कल के हमारे फ्यूचर हैं और यही हमारे एनवायरनमेंट को जो है बचा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर बच्चे को पता चले हमारे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में।